भाजी जू आज तो बड़े वाइल्ड हो रहे हो। अब क्या करें, तुम जैसी प्यारी और सुंदर साली रोज रोज थोड़ी मिलती है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे भाजी जू आज तो आपके दर्शन गेट खोलती होगी, वैसे दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही। चीचू शीला तुम भी ना, कितनी बार बोला क्या जीजू जीजू बोलती रहती हो, बेबी बोलो ना। बेबी क्यों, दीदी घर पे नहीं है क्या आज? हाँ तुम्हारी दीदी ना कहीं बाहर गई है, तभी तो मैं इतना खुल के बोल पा रहा हूँ। अरे वाह, मैं तो कब से यही सोच रही थी कि दीदी घर पे ना हो और मैं आपसे मिलूं, पर वो आज का दिन आ गया जीजू। इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा था, हम दोनों कब से छुप छुप के मिलते थे, आज हम खुलकर मिलेंगे और जो चाहे ना वो कर सकते हैं। आज इस पे कोई भी नहीं है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा सारी बातें यही करोगे या कुछ काम भी करोगे? हाँ क्यों नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए थोड़ी हम दोनों, कुछ काम करने के लिए तो है। चलो आप अंदर चलते हैं। अब क्या करें, तुम जैसी प्यारी और सुंदर साली रोज रोज थोड़ी मिलती है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे जीजू एक तो इतने दिनों बाद तो मिले हो, अब उसके लिए पानी, आप मेरे बिना पानी के प्यास बुझा दो ना। अच्छा बड़ी जल्दी है तुम्हें प्यास बुझाने की। अरे जीजू आज तो मेरे को मौका मिला है तो आज तो आप कहीं मत जाओ, आप सब यहीं बैठ जाओ। अच्छा जब तुम्हें इतनी जल्दी आई तो चलो फिर तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ। ऐसे कैसे जीजू, आपने तो मेरे को इतना तड़पाया तो थोड़ा मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपको थोड़ा तड़पाऊं। हाँ हाँ हक तो तुम्हारा पूरा बनता है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो ना कि आज तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है और हमें कितना अच्छा मौका मिला है। इतने महीनों से जो हम एक दूसरे से दूर थे, आज फाइनली हमें मौका मिला है एक दूसरे की बाहों में बाहें डालने का, तो इस मौके को क्यों गंवा रही हो। चलो ना कुछ करते हैं। मेरे पीछे से ये सब हो रहा है। निहारिका तुम यहाँ? नहीं नहीं निहारिका ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शीला शीला तो बस अभी आई है और ये तो मेरी बहन जैसी है, तुम किसी से पूछ लो। हाँ शीला बताओ ना कुछ। दीदी जीजू सही कह रहे हैं, जीजू की कोई गलती नहीं है, मैं तो अभी आई थी और आपके बारे में पूछा मैंने जीजू से कि दीदी कहाँ है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बस शीला बस, तुम गौर सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। नहीं नहीं निहारिका तुम गलत समझ रही हो, देखो। बस मुकेश बस, तुम तो चुप ही रहो और तुम कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है। अरे मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में तो तुम्हें ये सब करना पड़ गया। तुम्हें एक पल को भी शर्म नहीं आई कि वो मेरी छोटी बहन है और तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो? अरे तुम दोनों बहुत बेशरम हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बस शीला बस, अरे तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई? तूने अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहा, एक बार ये तो सोच लेती अगर ये सब मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनपे क्या बीतेगी। अरे तुझे हमने इतने लाड प्यार से पाला, तूने मेरे साथ ये सब करा। नहीं नहीं निहारिका तुम गलत समझ रही हो, देखो। तुम तो ना छुपी रहो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, पर तुम ना मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी ये जो शक्ल है ना एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। नहीं निहारिका प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी निहारिका, मुझे माफ कर दो, मैं तो शीला की बातों में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज इस बार गलती माफ कर दो। बस मुकेश बस, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ डिवोर्स के पेपर ना तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे, अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं निहारिका मुझे तलाक मत देना प्लीज निहारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तुम्हारे सिवा और कोई है भी नहीं। प्लीज निहारिका ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।